क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकोपैथ पार्टनर मिलना आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेटफुल डिसीजन हो सकता है। स्ट्रेंज ना, कुछ ऐसी ही कहानी लिखी गई है अ बुक कॉल्ड बिहाइंड द क्लोज डोर्स बाय बी ए पेरिस। कहानी स्टार्ट होती है जैक और ग्रेस एंजल से, जो कि एक परफेक्ट कपल दिखते हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा, लुक्स, फेम। पर जैसे ही आप टाइटल को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कि कहानी में दिखाया गया है उससे हकीकत की कहानी कुछ और ही है। जैक इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लॉयर होने के साथ ही एक इविल माइंडसेट वाला साइकोपैथ भी है, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को मार दिया था और उसे औरतों को रोते देखना बहुत पसंद है। और इसी कारण की वजह से वो ग्रेस से शादी करता है, जिसके फैमिली को उसकी कोई परवाह नहीं है। और उसकी बहन डाउन सिंड्रोम से गुजर रही थी, जो कि अभी हॉस्टल में रहती थी। ग्रेस एक एलिगेंट वूमेन है, वे दोनों एक ब्यूटीफुल कपल है और एक ब्यूटीफुल से घर में रहते हैं। वे दोनों प्रिटेंड तो करते हैं कि वो दोनों परफेक्ट कपल है, पर असलियत में ग्रेस जैक की कैदी है। जैक ग्रेस को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था और वही मिली के साथ भी करना चाहता था, पर अकॉर्डिंग टू हॉस्टल रूल वो 18 होने तक जैक के घर पे नहीं आ सकती थी, और इसीलिए सब टॉर्चर ग्रेस अकेले सह रही थी। ग्रेस खुद को और मिली को जैक के चंगुल से बचाना चाहती थी और हर बार कुछ ना कुछ कोशिश करते रहती थी, पर जैक बहुत इंटेलिजेंट था और हर बार ग्रेस के सारे प्लान्स फेल कर देता था। प्रेजेंट में जैक सबसे बड़ी केस पे काम कर रहा था और मिली ग्रेस को सजेस्ट करती है कि यही मौका है कि जहाँ ग्रेस को जैक को मारना चाहिए, पर ग्रेस मर्डरर नहीं बनना चाहती थी। मिली हॉस्टल से ग्रेस को स्लीपिंग पिल्स लाके देती है। केस के कुछ दिन पहले जैक के फ्रेंड्स एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ दोनों को इनविटेशन दिया जाता है। ग्रेस जैक को दोस्तों के सामने मैनिपुलेट करती है कि वो उसे ट्रिप पे ले जाए, और यहाँ जैक मना नहीं कर सकता था, इसीलिए जैक भी एक्सेप्ट करता है और उसे ट्रिप को ले जाने के लिए हाँ कहता है। केस के लास्ट डे जैक केस हार जाता है और घर पर आता है। ग्रेस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। वो 2 गिलास में शैंपेन लाती है और जैक के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स ऐड कर देती है। जैसे ही वे दोनों शैंपेन पीने लगते हैं, जैक को पता लगता है कि शैंपेन में कुछ तो मिलाया है, और ग्रेस शैंपेन की बोतल उठाकर जैक के सिर में मार देती है। जैक अभी बहुत गुस्सा है और ग्रेस नीचे भागने लगती है और कॉरिडोर के सामने वाले टेबल के अंदर छुप जाती है। जैसे ही जैक बेसमेंट की डोर के पास आता है, ग्रेस पीछे से उसे धक्का दे देती है और बेसमेंट में जैक लॉक हो जाता है। ग्रेस जल्दी से आगे से डोर को लॉक कर देती है और पासपोर्ट लेके थाईलैंड भाग जाती है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि जैक अब नहीं रहा, और ये सब सुनकर ग्रेस शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई स्लीपिंग पिल से कैसे मर सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रेस को थाईलैंड से वापस बुलाती है, और जैसे ही वो थाईलैंड से घर पे आती है, उसे पता चलता है कि जैक की मौत डिहाइड्रेशन से हुई थी। द रीज़न वॉज बेसमेंट में जैक एक रेड रूम क्रिएट करता है जहाँ कुछ सप्लाई नहीं होता है, ना खाने का, ना पीने का, ना डोर नॉब का, और इसी रूम में वो मिली को टॉर्चर करना चाहता था, पर अफसोस जैक ऐसा कुछ कर नहीं सका और खुद की करतूतों की वजह से मर गया। पुलिस ग्रेस की सहमति से इस इंसिडेंट को सुसाइडल अटेम्प्ट दिखाना चाहती थी, जिस पे ग्रेस अग्री करती है और पुलिस इस केस को क्लोज कर देते हैं। ग्रेस जैक की मौत पे दुखी तो थी, पर मिली के लिए वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब वे दोनों जैक के चंगुल से बच गए थे। पर व्हाट डू यू थिंक, जैक के साथ जो हुआ वो सही था? अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं, इसके साथ कुछ सही नहीं हुआ है, देन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। ऐसे साइकोलॉजिकल बुक्स और पढ़ने के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन्स, नए वीडियोस आते ही रहेंगे। थैंक यू।